स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाए, नया मोबाइल ले जाए। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड, सनोली रोड, पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डायगन, ऑथोराइज डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, जीडी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत। वायरलेस सीसीटीवी कैमरा, मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ठगी करने वाले गिरोह में से एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खेतों में खड़ी फसल खराब होने के चलते किसान को आया हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से हुई किसान की मौत। IBL पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुआ खेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन, चारों सदन के बच्चों ने निकाली परेड। ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा 22 नवंबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मेले का आयोजन। विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल में हुआ वार्षिकोत्सव का आयोजन, उपायुक्त सुमेधा कटारिया रही मुख्य अतिथि। गंगाराम कॉलोनी से एक मकान में हुई चोरी, लाखों का सामान और नकदी लेकर हुए फरार। नमस्कार, मैं पिंकी धीमान आप सभी का स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की ठगी करने वालों ने पुलिस और जनता दोनों की नाक में दम कर रखा था। उन सभी आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी आज पुलिस ने कर ली है और बाकी के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बीते दिनों शहर में ठगी करने वालों के आतंक से लोग काफी परेशान थे, जिसको लेकर आज CIA1 की टीम ने ठगी करने वाले सभी आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये जानकारी CIA इंचार्ज दीपक कुमार और DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। बता दें कि ठगी करने वाले सभी आरोपी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को अपना निशाना बनाते थे और वहां से इलेक्ट्रॉनिक की चीजें लेकर ठगी कर फरार हो जाते थे। इन सभी ठगी करने वालों ने कई दुकानों को अपना निशाना बनाया और उनसे लाखों की ठगी की। इन सभी ठगी करने वालों में अमन, मनीष, मुकेश और सचिन नाम का युवक शामिल हैं, जिनमें से अमन कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों पानीपत शहर में 3-4 घटनाएं हुई थी कि एक कुछ फर्जी ग्राहक बनके और कुछ लोग कुछ दुकानदारों से AC, LED वगैरह उधार के नाम पर उठाकर लेके गए थे और पेमेंट उनकी नहीं की थी। उसी समय 4 FIR हमारे यहाँ पर दर्ज हैं, जिनमें हमने हमारी CIA1 की टीम ने उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। एक आरोपी अमन नाम के आरोपी को कल रात गिरफ्तार किया है और उसका आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड प्राप्त करेंगे। गहराई से इन्वेस्टिगेशन जारी है और बाकी लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार करें। इसमें LED और AC ये चीज़ें थी। अभी रिमांड लेके बरामदगी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं गहराई से, पूरी कोर्ट से रिमांड लेंगे, उसके बाद पता लगेगा क्या क्या होगा। हाँ, 3 टोटल 4 मामले हैं हमारे यहाँ पर पानीपत में। एक में ये अरेस्ट हुई, 3 और हैं, वो सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा। ये बातचीत करके विश्वास में लेके पेमेंट का वो भरोसा दिला के तब लेते थे। अब 4 केसेस हैं जो डिटेल आपको नोट कराई है, वही पानीपत शहर के ही हैं सभी। हमारे देश के किसान कितनी मेहनत से एक फसल को उगाते हैं और जब वही फसल खराब होकर उनके दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दे तो उस किसान पर क्या गुजरती होगी। बिल्कुल ऐसा ही इस राणा के बांध गांव के किसान के साथ हुआ। जब सुबह वो अपनी फसल को देखने गया तो अपनी खराब फसल को देखकर
दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। कल सुबह जब ये किसान अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेतों में खड़ी फसल खराब हो चुकी है, तो उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते सुबह 7:30 बजे उसकी मौत हो गई। यह 44 वर्षीय किसान इस राना के गांव बांध का रहने वाला है। इसके परिवार में एक 13 वर्ष की उसकी बेटी है और एक बेटा। इसकी पत्नी ज्यादातर बीमार रहती है, ऐसे में किसान ही खेती से परिवार को पाल रहा था। गांव के सरपंच का कहना है कि किसान के 2 किले खुद के हैं, जिसके जरिए परिवार की रोजी रोटी चलती थी और साथ ही किसान पर कर्ज भी था। ये अपने खेत में गया था, वहाँ जा कर के देखा कि इसकी फसल खराब है। इस जो के जो आवाज़ चली इसकी वजह से उसकी सफ़ेद बाड़ियाँ होगी, फसल खराब थी, कर्जा सिर पर ज़्यादा है, माली हालत खराब है, इस करके इसका हार्ट अटैक हो गया और इसकी मौत हो गई। IBL पब्लिक स्कूल के प्रांगण में खेल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत चारों सदन के बच्चों ने ड्रम ध्वनि सहित परेड करते हुए प्रबंधक कमेटी के उप प्रधान अशोक नागपाल व प्रधानाचार्य गीता राठी को सलामी दी, जिसके उपरांत बच्चों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह के बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने हरियाणवी डांस भी प्रस्तुत किया। इस खेल दिवस समारोह में कक्षा 6 से लेकर 12 कक्षा के हर विद्यार्थी ने भाग लिया। बच्चों के लिए प्रांगण में ही 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर सैक रेस और साइकिल रेस जैसे कई रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में अध्यापकों व कर्मचारियों के लिए भी विशेष दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं प्रबंधक कमेटी के उप प्रधान अशोक नागपाल ने विद्यार्थियों के जोश की काफी प्रशंसा की और कहा कि खेल का भी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जीवन में काफी बड़ा महत्व है। आज हमारे IB पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिता का एक इस पूरे वर्ष का एक आयोजन किया गया है। खेल जो आजकल है हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी पढ़ाई ज़रूरी है, जितनी एजुकेशन ज़रूरी है, उतना ही खेल ज़रूरी है। ये खेल जो है जैसे विद्यार्थियों के लिए खासतौर इस उम्र में खेल भावनाएं आ जाएं, खेलों से सब कुछ सीखा जाता है। स्कूल की प्राचार्य गीता राठी ने बताया कि इस तरह के खेलों से बच्चों का मनोविज्ञान बढ़ता है और उन्हें हर तरह के खेल नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह के खेलों से बच्चों के जीवन में हार जीत को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। आज IBL पब्लिक स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट सीनियर विंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे साथ में एम्प्लॉयज भी के लिए भी कुछ गेम थे, पेरेंट्स के लिए भी कुछ गेम थे और जूनियर विंग का गेम आप लोगों ने पहले पिछली बार देखा ही था। तो अब सीनियर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉडली ट्रैक इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। ट्रैक इवेंट होने के नाते उनको गेम्स की जानकारी भी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी भी होती है, उनमें टीम स्पिरिट का डेवलपमेंट होता है, लीडरशिप डेवलप होती है, रेजिलेंस डेवलप होती है कि जीवन की हार्ड और जीत को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। जय बच्चों को स्कूल की प्रिंसिपल गीता राठी व प्रबंधक कमेटी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अंत में राष्ट्रीय गान द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। ब्रह्म कुमारीज आश्रम द्वारा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मेला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 22 नवंबर से 27 नवंबर तक पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में चलेगा। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में दर्शकों को चित्र प्रदर्शनी व तरह तरह की विधियों द्वारा स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशी के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये मेला 22 से 27 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर मॉडल टाउन के ईदगाह रोड पर स्थित ब्रह्म कुमारीज के सेवा केंद्र पर पत्रकार वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान ज्ञान मानसरोवर निदेशक BK भारत भूषण ने कहा कि इस तरह का मेला पानीपत में पहली बार किया जा रहा है और मेला देखने वालों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। इस मौके पर सर्कल इंचार्ज BK सरला बहन, BK करण, BK पायल समेत कई लोग मौजूद रहे। आध्यात्मिक मेला इस बार रखा जा रहा है। आज अगर हम पूरी दुनिया में नजर घुमा करके देखें तो साधन बढ़ते जा रहे हैं, वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं और पिछले 25 साल में हमने गजब की इम्प्रूवमेंट की है, गजब की हमने प्रोग्रेस की है अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
मनुष्य अशांति की ओर बढ़ रहा है। हर व्यक्ति के मन के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीजों का लेवल अच्छा हुआ है लेकिन खुशी का लेवल कम हुआ है। आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा जो टाइप होता है वर्ड वो हैप्पीनेस है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर सर्चिंग हैप्पीनेस। इतनी चीजें बनाने के बावजूद भी मन जो है वो वाली खुशी नहीं प्राप्त कर पा रहा है जिसकी उसे चाह है। तो ये मेला एक दर्पण है, उसका ये कंसेप्ट लाया गया कि खुशी के ऊपर भी सबसे ज्यादा आजकल किताबें लिखी जा रही है, बिक भी रही है, फिल्में भी बन रही है, बहुत कुछ हो रहा है, कार्य भी हो रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेवल पर कार्य ज्यादा हो रहा है। विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल और बचपन प्ले वे स्कूल के प्रांगण में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आज विद्या वाटिका व बचपन प्ले वे स्कूल के प्रांगण में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया और रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई, जिसके उपरांत विद्यार्थियों द्वारा बॉलीवुड के गानों पर भी डांस किया गया। वहीं स्कूल के संचालक कृष्ण अग्रवाल का कहना है कि इस कार्यक्रम का आकर्षण बिंदु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक रहा, जिसने सभी दर्शकों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल और देसार बचपन स्कूल में एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट सुश्री सुमेधा कटारिया जी डीसी पानीपत रहे। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, देशभक्ति पे और चाइल्ड लेबर पे कार्यक्रम दिए गए। डीसी मैडम ने स्कूल को देखकर और बच्चों के प्रोग्राम को देखकर स्कूल की बड़ी सराहना की और उन्होंने जो हम स्कूल लाल बत्ती चौक को ब्यूटीफाई कर रहा है उसके बारे में भी स्कूल की बड़ी सराहना की कि एक बड़ा सामाजिक कार्य है। सभी संस्थाओं से अपील की इस तरह के लिए आगे आए, बढ़ चढ़ के और पानीपत को साफ सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने में योगदान दें। धन्यवाद। गंगाराम कॉलोनी में स्थित एक मकान पर बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। नकदी के साथ साथ घर में रखे जेवरात और दीवार पर लगी LED भी चोर अपने साथ ले गए। बीती रात चोरों ने गंगाराम कॉलोनी में स्थित एक मकान में हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें, इसी घर में अगस्त महीने की 20 तारीख को भी चोरी हुई थी। तब एक चोर पकड़ा गया था, जिसको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। लेकिन 3 महीने बाद एक बार फिर इसी युवक के घर पर चोर हाथ साफ करने पहुंचे और 70 से 80 हजार की नकदी के साथ साथ 1.5 लाख की ज्वेलरी और LED भी अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि पूरा परिवार अपने गांव करनाल में गया हुआ था। परिवार का मुखिया बलविंदर जोगी प्रॉपर्टी डीलर है और वह अकेला ही अपने परिवार का पेट पाल रहा था। वहीं बलविंदर का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ शादी में अपने गांव गया हुआ था और उसे सूचना मिली थी कि उसके घर में चोरी हो गई है और जब उसने आकर देखा तो उसके घर का ताला टूटा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। हम सर शादी में गए हुए थे, परसों शाम को गए थे और हमें पड़ोसी ने बताया कि आपके घर में डाका पड़ गया, चोरी हो गई। हम आ गए, हमने देखा पूरा घर साफ था, बिल्कुल कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की टूम थी और कम 70-80 हजार मेरे पास यहाँ मैंने कैश रख रखे थे शादी में ले जाने के लिए। तो मैं 3 दिन बाद में दोबारा आना था तो आ नहीं सका, तो इस करके हमने वो पैसे रखे थे। तो आगे देखे मेरा सारा बेड अलमारी सब कुछ सारा साफ था, LCD सारा सामान साफ है मेरा घर का। और पिछली बार भी मेरे साथ 3-4 महीने पहले मेरे साथ हादसा हुआ था, जब भी 21 अगस्त को जब भी चोर बड़े थे वहाँ आगे, तो उस टाइम मैंने जाग गया था मैंने मौके पर वो पकड़ लिए थे और उन्हें मेरे चक्कू चुक्कू भी मारे और मैंने पुलिस के हैंड ओवर भी करे थे, उसमें भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज के लिए दनादन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। कैमरा हो खराब नहीं है कोई चिंता की बात, मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 9253342393।